मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लिया है बड़ा फैसला। दोस्त स्वागत है आपका एमपी न्यूज लाइव में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विषय में, क्या है जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह का अपडेट न्यूज मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। आइए बढ़ते हैं अपडेट की ओर, जान लेते हैं पूरा अपडेट को विस्तार से। दोस्तों आप बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ा फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है कि राजभवन में आयोजित समारोह में केवल मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाना थी। मंत्रिमंडल का फैसला बाद में लिया जाएगा। आज शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर कार्यभार संभाल चुके हैं और मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं। अरुण सिंह केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री अरुण सिंह को मध्य प्रदेश भाजपा विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया था और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधायक दल की बैठक हुई और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश के प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश भाजपा विधायक दल की बैठक को संचालित किया और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि वे मंत्रिमंडल विस्तार आज या कल में करेंगे और आज विशेष सत्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है जिसमें कि बहुमत परीक्षण का कार्यभार पूरा की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। हम लगातार इसमें लाइव अपडेट बनाए हुए हैं, जैसे कुछ नया अपडेट आएगा हम सबसे पहले आपको सूचित करेंगे। उसके लिए बस आपको करना ही होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंच पाए और आप उनसे अपडेट हो सकें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, हम फिर आज तक नए विषय के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।